चेहरे पर दिव्यता, वाणी में ओज, जिह्वा पर सरस्वती। ओजस्वी वक्ता, कुशल प्रशासक, उच्च कोटि की साहित्यकार, सहज सरल सौम्य, धीर गंभीर विनम्र, विशेषण जिनके लिए कम पड़ जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, जिनका ममतामयी चेहरा याद करते ही आंखें नम हो जाती हैं, वाणी मौन हो जाती है, उस महान विभूति का नाम है शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा, तेरापन धर्म संघ की अष्टम साध्वी प्रमुखा। 22 जुलाई 1941 को कोलकाता में सूरजमल जी बैद तथा छोटी देवी बैद के यहां एक नन्ही कन्या ने जन्म लिया। नाम दिया गया कलावती। कला का बचपन पैतृक गांव लाडनू में बीता। वह बचपन से ही शांत और अंतर्मुखी थी, पदार्थ जगत के प्रति बिल्कुल उदासीन, पर अपने दायित्व के प्रति जागरूक। 14 वर्ष की हुई तो पिता विवाह के लिए वर चुन रहे थे, पर कला की मासूम आंखें तो संयम पथ पर बढ़ने का स्वप्न बुन रही थीं। इस सपने को साकार करने के लिए 15 वर्ष की उम्र में कला ने पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश लिया। 4.5 वर्ष के संस्था प्रवास में एक होनहार छात्रा के रूप में उसने अपनी पहचान स्थापित की। 8 जुलाई 1960 का पावन दिन, तेरापन द्विशताब्दी समारोह का ऐतिहासिक अवसर। गुरुदेव श्री तुलसी ने केलवा में मुमुक्षु कला को दीक्षा प्रदान की और नाम दिया कनक प्रभा। दीक्षित होते ही साध्वी श्री कनक प्रभा का व्यक्तित्व एक उदीयमान साध्वी के रूप में उभर कर आया। उनकी ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति, दायित्व बोध और विवेकशीलता ने गुरुदेव श्री तुलसी को विशेष प्रभावित किया। 19 अप्रैल 1970 को तेरा पंथ की सप्तम साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी का बीदासर में स्वर्गवास हो गया। आचार्य श्री तुलसी एक प्रगतिशील साध्वी समाज का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें आवश्यकता थी एक युवा और प्रबुद्ध साध्वी प्रमुखा की। 14 जनवरी 1972 गंगा शहर मर्यादा महोत्सव। आचार्य श्री तुलसी ने 30 वर्षीय साध्वी श्री कनक प्रभा को तेरापन धर्म संघ के विशाल साध्वी समाज का नेतृत्व सौंप दिया। पूरे समाज के लिए एक अकल्पित और अनजाना नाम। कौन जानता था कि यह 30 वर्ष की सहमी सी, सकुचाई सी युवा साध्वी प्रमुखा पद को नई गरिमा, नई ऊंचाई प्रदान करेगी। साध्वी प्रमुखा श्री 500 साध्वियों का नेतृत्व करती थीं। साध्वियों की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व उन पर था। कोमल अनुशासन के साथ सबको सहेज कर रखने की कला उन्हें खूब आती थी। उनका प्रशासन, प्रशिक्षण और प्रबोधन अद्भुत था। एक कुशल शिल्पकार की तरह वे जीवन पर्यंत साध्वी समुदाय को मृदुलता से तराशती रहीं। वे एक मां थीं, आंखों में नेह का समंदर और आंचल में ढेर सारी ममता समेटे हुए। अपनी आत्मीयता की खुराक से विश्रावक समाज को तृप्त कर देती थीं। उनके लिए अपना आहार, विश्राम सब कुछ गौण कर देती थीं। छोटे बड़े हर कार्यकर्ता को पर्याप्त सम्मान देती थीं। इसीलिए लाखों लोगों के दिलों पर राज करती थीं। महिला समाज अपने मौलिक संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए विकास करे, इसके लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहीं। उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन भरे मार्गदर्शन में तेरापंथ महिला समाज ने अभूतपूर्व प्रगति की। कन्या मंडलों के माध्यम से हजारों कन्याओं को वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देती थीं। शासन माता एक कुशल प्रवचनकार थीं।
उनके शब्दों में गहराई थी, जादू था। उनके शब्द बच्चों को प्रेरणा देते थे, युवाओं को दिशा देते थे, बुजुर्गों को जीने की ताकत देते थे और प्रबुद्ध लोगों को एक सोच देते थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने कहा था, साध्वी प्रमुखा के अभिभाषण से नई खुराक मिलती है। सरस्वती की वे लाडली पुत्री थीं, उनकी कलम जिस दिशा में भी आगे बढ़ती जादू सा रच देती थी। फिर चाहे गद्य हो, पद्य हो, जीवनी हो या फिर यात्रा वृत्त, शासन माता द्वारा श्रद्धा और समर्पण की स्याही से संपादित आचार्य श्री तुलसी की आत्मकथा मेरा जीवन मेरा दर्शन साहित्य जगत की अनमोल संपदा है। आगम ग्रंथ भगवती जोड़ और आचार्य श्री तुलसी की अधिकांश साहित्यिक कृतियों में उनका संपादन कौशल मुखरित हुआ है। उनके संपर्क में चाहे राजनेता आए या प्रबुद्ध साहित्यकार या फिर सामान्य जन, उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रहता था। साध्वी प्रमुखा श्री को तीन तीन आचार्यों के नेतृत्व में दायित्व निर्वहन का सौभाग्य मिला। उनकी विनम्रता, समर्पण और दायित्वशीलता ने सभी आचार्यों को प्रभावित किया। आचार्य श्री तुलसी को तो अपनी कृति पर अभिमान था। वे कहते थे, साध्वी प्रमुखा हमारे संघ की गरिमा है, महिमा है। ऐसे साधु साध्वियों से संघ का शताब्दी आयुष्य बढ़ जाता है। प्रमुखा श्री के मनोनयन के 25 वर्ष की संपन्नता पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कहा था, कनक प्रभाजी पहली साध्वी प्रमुखा हैं जो विलक्षण कार्य कर रही हैं। आचार्य श्री महाश्रमण भी उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते थे। गुरुओं की कृपा उन पर बरसती गई और उपाधियां और अलंकरण उनके नाम से जुड़ते गए। गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा 1979 में महाश्रमणी अलंकरण, 1989 में महाश्रमणी पद और 1991 में संघ महानिदेशिका पद प्रदान किया गया। 2016 में आचार्य श्री महाश्रमण ने उन्हें असाधारण साध्वी प्रमुखा के अलंकरण से विभूषित किया। 30 जनवरी 2022 को उनके मनोनयन का अमृत महोत्सव पूरे धर्म संघ में अत्यंत उल्लास और आह्लाद के साथ मनाया गया। जैन विश्व भारती लाडनू के प्रांगण में उत्सव का सा वातावरण था। इस अवसर पर आचार्य श्री महाश्रमण ने उन्हें शासन माता की गरिमामय उपाधि प्रदान की। शासन माता चिरायु हो, चिरायु हो, ये स्वर धरती अंबर में गूंज रहे थे, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति बनी। उनकी अस्वस्थता ने पूरे धर्म संघ को चिंतित और विचलित कर दिया। पर उनके तन में भले ही व्याधि थी, पर चेहरे पर व्याप्त दिव्य शांति उनके भीतर के आनंद और समाधि को प्रतिबिंबित करती थी। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, इस मंत्र को वे साक्षात जी रही थीं। करुणा सागर आचार्य श्री महाश्रमण शासन माता को दर्शन देने के लिए प्रलंब विहार करते हुए दिल्ली पधारे। एक एक दिन में 32, 35 और 46 किलोमीटर का विहार कर कीर्तिधर आचार्य ने नए इतिहास का सृजन किया। शिष्य का अपने गुरु के प्रति आदर भाव स्वाभाविक है, पर अगर गुरु के मन में शिष्य के प्रति आदर भाव हो तो उसे गुरु की महानता कहें या शिष्य की विलक्षणता, सचमुच वे एक महान गुरु की असाधारण शिष्या थीं। 17 मार्च 2022 को वक्त मानो थम सा गया। 8 दशक तक चलने वाली जीवन यात्रा, 6 दशक तक चलने वाली संयम यात्रा और 5 दशक तक साध्वी प्रमुखा के रूप में चलने वाली नेतृत्व यात्रा जो चल रही थी पूरी रफ्तार के साथ, अचानक
रुक गई। अनंत ज्योति संपन्न एक निर्धूम दीपशिखा जो पूरी दुनिया में उजाला बांट रही थी, अनंत में विलीन हो गई। शासन माता आज हमारे बीच नहीं है। पर उनका असाधारण जीवन सदियों तक लाखों लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।